दोस्तों वो गाड़ी का जो प्रॉब्लम था, कूलेंट लीक हो रहा था, गाड़ी रुकी हुई थी फिर भी कूलेंट लीक हो रहा था। हालांकि 15 दिन के पहले मैंने सर्विस करवाई थी जिसमें कूलेंट इंजन ऑयल वगैरह चेंज किया था, और जैसे ही 15 दिन के बाद 1-2 किलोमीटर गाड़ी की रनिंग हुई, उसके बाद जैसे मैंने गाड़ी पार्क की घर के सामने तो कूलेंट लीक हो रहा था इस तरीके से। तो मैंने गैरेज को जाना मैकेनिक के पास ठीक समझा, और जैसे मैं गैरेज में आ गया मैकेनिक ने जो कुछ चेक लिस्ट उनकी थी उनके हिसाब से चेक की, मगर विजुअली जो आउटसाइड से कोई भी लीकेज नज़र नहीं आया रेडिएटर में। तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि ड्राइव करो 10 किलोमीटर तक, अगर गाड़ी का इंजन ओवर हीट होता है तो यहाँ पर मीटर के पास आप चेक करने के लिए बोला है। वही ध्यान में रखते हुए जैसे कि गाड़ी का कूलेंट लेवल कुछ डाउन जाता है या गाड़ी का इंजन जो है ओवरहीट होता है, ये चेक करने करेंगे हम अभी 10 किलोमीटर ड्राइव करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी रीडिंग जो है 88992 है, तो देखेंगे अभी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों लगभग हम आ गए हैं, आप देख सकते हो इसके ऊपर मीटर के ऊपर कि लगभग 8-9 किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके हैं, और अभी भी जो है जो टेम्परेचर है 2 लाइन की तरफ ही है। तो ये एक राहत भरी बात है मेरे लिए, क्योंकि 8-10 किलोमीटर तो अभी होने को है मगर फिर भी टेम्परेचर जो है उतना ही है। अगर अभी हम नज़दीक है गैरेज के सामने, देखेंगे कि कितना टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर तो ठीक है मगर जो कूलेंट जो लेवल है उसको उसमें क्या गिरावट आई है देखेंगे अभी। तो गैरेज के पास ही है हम अभी, तो लेट्स सी कि कितना टेम्परेचर अप हुआ है या कितना टेम्परेचर डाउन हुआ है देखेंगे अभी। अभी जस्ट आ चुके हैं इसमें, तो लेट्स सी कि कितना टेम्परेचर अभी डाउन हुआ है। सॉरी, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर जो टेम्परेचर है वो 2 इसमें ही है फिलहाल अभी भी। तो देखेंगे अभी जो कूलेंट लेवल है उसमें क्या कमी आई है, तो चलो देखते हैं। तो अभी फिर से आए हैं हम रवि भाई के गैरेज में, तो देखेंगे रवि। अभी हमने मैक्सिमम लेवल पे ही रखा था जब यहाँ से निकले, तो ऑलमोस्ट ऑल 20 किलोमीटर रनिंग हो गई है। तो अप एंड डाउन आपका, मैं जाते वक्त वीडियो नहीं शूट किया था तो आते वक्त का 10 किलोमीटर कंसीडर किया है। तो यहाँ से जब गाड़ी निकली थी तो ऑलमोस्ट ऑल 20 किलोमीटर्स का रनिंग हो चुका है अभी तक। अभी देखेंगे जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो इसका लेवल क्या होता है, अभी भी हीट की वजह से अप एंड डाउन हो रहा है उसका लेवल। अगर लीकेज की बात की जाए नीचे तो कहीं पर भी लीकेज नज़र नहीं आया है, देखेंगे एक 5-10 मिनट रुकेंगे उसके बाद देखते हैं कि लीकेज कुछ आता है या नहीं। तो लगभग दोस्तों 15 से ज़्यादा, मतलब लगभग आधा घंटा हो चुका है, उसके बाद हम देखते हैं कि कूलेंट थंड कूल हुआ ऐसा लग रहा है, तो देखेंगे कैप ओपन करके ही। और लगभग कूल हुआ है, और आप इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, देख सकते हो कि ऑयल लेवल जो हमने मैक्सिमम लेवल पर रखा था आफ्टर 20 किलोमीटर्स भी उतना ही है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो ट्रबल शूट हो चुकी है दोस्तों, यानी कि कुछ रेडिएटर खोलने की या ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी जो इंस्पेक्शन किया है ये हमारा सेम जो मैकेनिक है रवि भाई, तो इनकी तरफ ही मैं हमेशा कार लेके आता हूँ। तो दोस्तों मेरा सजेशन ये रहेगा हर बार की तरह, जब भी कुछ आपकी प्रॉब्लम होती है तो आपका मैकेनिक जो होता है वो जीनियन होना चाहिए, और जो 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 इंस्पेक्शन जो कर सके वो जीनियन, वो भी जीनियन होनी चाहिए, ताकि जो ट्रबल शूटिंग में हमारी जो प्रॉब्लम हो सके वो इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो इसके लिए इंस्पेक्शन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो जैसे मैं गैरेज में लेके आया था गाड़ी, तो रवि भाई ने इंस्पेक्शन किया गाड़ी का टोटली, और इंस्पेक्शन के बाद ही उन्होंने सजेस्ट किया था कि गाड़ी को आप 10-20 किलोमीटर रनिंग करके देखिए। तो जैसे ही हमने किया तो नतीजा हम आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हो नीचे की ओर से जो लीकेजेस है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो चुका है, और ये राहत भरी बात है।
एंड वीडियो के अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा सब में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कर्मेश्वर गैरेज है, इसके मिस्त्री है रवि भाई, काफ़ी जीनियर मैकेनिक है। मैं हर बार कुछ भी प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इन्हीं के पास गाड़ी लेके आता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रबल शूट हो चुकी है मेरी प्रॉब्लम जो है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपके भी गाड़ी में कुछ भी छोटी बड़ी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप, मैं इनका नंबर जो है आप स्क्रीन पे मैं डाल दूँगा, इनको भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ऐसे न्यू वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको कुछ भी डाउट है तो चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।